हाय, मैं रुचि, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे हरे भरे प्यारे से प्लांट के बारे में जिसका नाम है एस्पैरगस फर्न। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए। तो यह एस्पैरगस फर्न और ये बड़ा प्यारा प्लांट है और परमानेंट प्लांट है, ये आउटडोर प्लांट है और इसको मैंने राउंड शेप में कट किया हुआ है। और जितनी हम इसकी कटिंग करेंगे उतना ये अच्छे से ग्रो करता है। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, मैंने राउंड शेप दी हुई है और थोड़ा थोड़ा टाइम बाद आप इसकी कटिंग करते रहिए तो ये बुशी बनता जाता है। कि देखिए मेरा कितना पूरा पोट भर गया है। तो आप इसके कटिंग कीजिए, मैं इस तरह से इसकी कटिंग करती रहती हूँ। सोइल मिक्सचर हमें लेना है इक्वल क्वांटिटी में, वर्मी कंपोस्ट प्लस सैंड प्लस सोइल, और थोड़ी सी आप उसमें नीम खली मिला लीजिए तो वो बेस्ट पोटिंग मिक्स होता है। और इसकी बात करें हम तो इसकी जो प्लांट की जो है लीव्स थोड़ी थोड़ी सूख के झड़ने लग जाती है। देखिए जैसे ये इकट्ठी हो जाती है, ड्राई लीव्स जो है जो आप इनको हटा दीजिए। अब हम बात करें वाटरिंग की, तो वाटरिंग हमें इसमें जब इसकी लीव्स जब इसकी सॉइल ड्राई हो जाए तो हमें इसमें वाटरिंग करनी है। और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, अंडर वाटर भी नहीं करना है क्योंकि अब गर्मी है। तो और एक इसमें हमें ऊपर से छिड़काव करना है पानी का, तो ये अच्छे से ग्रो होता रहता है। और सनलाइट की बात करें तो ये मेरा जो ये बाहर रखा हुआ है, ये यहाँ पे 3-4 घंटे की धूप आती है तो यहाँ अच्छे से चल रहा है, ये ग्रो कर रहा है अच्छे से। और ये आप इसको सेमी शेड में भी रख सकते हैं, बट इंडोर प्लांट इंडोर रखेंगे तो ये इंडोर ग्रो नहीं करेगा। अब पानी की बात होगी, सनलाइट की बात हो गई, और हाँ ये हैंगिंग बास्केट में भी आप इसको लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी बहुत प्यार लगता है। मुझे अभी काफ़ी टाइम नहीं हुआ है इसको लगाए हुए, थोड़ा ही टाइम हुआ है तो अभी इसकी मैं कटिंग करूंगी तो ये और रेनी सीजन में और अच्छे से बुशी प्लांट बन जाएगा, बहुत प्यार लगेगा। हैंगिंग बास्केट में भी आप लगा सकते हैं इसको। और इसकी फर्टिलाइजर की बात करें तो इसको आप मंथ में जो मैंने वीडियो शेयर की हुई है आपसे ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर की, वो आप डाल सकते हैं। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप इसमें एनपीके भी डाल सकते हैं, एनपीके जो आता है मंथ में एक बार। और ये ट्यूबर से ग्रो होता है और इसको इसी एक प्लांट से हम इसके बहुत सारे प्लांट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स बन जाएंगे। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं बीच में से, इसके आप 4-5-6 प्लांट्स कितने बना सकते हैं। आगे मैं इसकी जब इसका रेनी सीजन आएगा इसकी वीडियो शेयर करूंगी आपसे। तो ये थी मेरी वीडियो आज की, आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।